पार्टी ने ब्रीफ किए हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि सैयद बुशारत बुखारी द्वारा की गई जिसके बाद उन्हें पार्टी को छोड़ना पड़ा। जी सनम, जो है विनोद जी वो आप जानते हैं एक ब्रॉडकास्टर थे और उसके बाद वो पीडीपी में 2002 में आए और 2002 के बाद वो जो पीडीपी में एमएलसी पहले बने, फिर पिछली सरकार में वो मंत्री भी बने और पिछली सरकार में जब मंत्री बने तो उसके बाद जो पीडीपी में तोड़फोड़ हुई तो उसको देखते हुए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ज्वाइन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ समय के लिए रहे, फिर उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में वो वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे जो इस वक्त थे और वाइस प्रेसिडेंट के पद पे थे। और पिछले एक महीने से लगभग हमें देखने को मिल रहा था कि बशारत बुखारी जो है वो पीपल, जैसा उन्होंने खुद ही पिछले हफ्ते भी बताया था कि वो पार्टी एक्टिविटी से थोड़ा सा दूर है और उस दूरी की वजह उन्होंने अगर ना बताई, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक नेशनल टेलीविजन को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये बात साफ कर दी कि ग्राउंड पे उन जैसे लोगों के लिए, यानी इन जैसी पार्टियों के लिए उन्हें लगा कि लोगों में एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। उसने शब्द जो है इखवानी शब्द का इस्तेमाल भी किया कि लोग जो है हमें इखवानियों की नजर से देखते हैं। और आपको बताएं 90s में इखवानियों का एक ऐसा दौर था कश्मीर में जो जिन्हें लोग बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते थे और उन्हें खूनखार आतंकी या दहशतगर्द से ज्यादा बुरी नजर से देखते थे। तो वही शब्दों का इस्तेमाल बशारत बुखारी ने भी किया और उन्हीं शब्दों को देखते हुए जैसे सजाद गनी लोन बाहर से वापस आए तो कल ही उन्होंने जो है एक पहला शॉट मार दिया, उन्होंने उनको पार्टी से जो ट्वीट करके निकाल दिया। यूं तो वो पहले से ही थे लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है और इसके पीछे की कहानी अगर देखा जाए तो इस टाइम जो पिछले एक डेढ़ महीने से पीडीपी की गतिविधियां चल रही है उनको देखते हुए लग रहा है कि बशारत बुखारी जो है एक बार फिर कहीं ना कहीं पीडीपी के खेमे में वापस जाने के लिए परतोल रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा पिछले काफी समय से यहाँ पे बड़ी खबरें चल रही है और लगभग 12 लोगों का जो 12 दिग्गज रहे हैं पीडीपी में वो वापस आने का, पीडीपी वापस आने का है और उनमें से तो कुछ लोग जो है वो महबूबा मुफ्ती से मिले भी हैं, कुछ लोग डायरेक्टली मिले हैं, कुछ लोगों के परिवार के लोग मिले हैं महबूबा मुफ्ती से और कुछ जहां महबूबा मुफ्ती बड़ा इसका विरोध पहले करती थी वो वापस नहीं लेगी। लेकिन इसी हफ्ते जब मेरी महबूबा मुफ्ती से मुलाकात हुई और मैंने भी उनसे ये ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी बातचीत हुई उसमें मैंने उनसे पूछा था कि अगर कोई वापस आना चाहे तो क्या वापस आ सकता है, तो महबूबा मुफ्ती ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। सनम, और सनम, आपको सनम आपको रोकूंगा, आप मुझे बताइए कि एक पॉलिटिशियन सीजन पॉलिटिशियन है बशारत बुखारी, सीजन पॉलिटिशियन अगर बार बार पार्टी चेंज करता है तो इमेज खराब होती है। विनोद जी देखिए इस वक्त कश्मीर में इमेज की इन्हें ज्यादा परेशानी है, इन्हें ग्राउंड की, क्योंकि इमेज लगभग यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हैं जो जो कश्मीर के हालात को देखते हुए जिन्हें आमतौर पे यहाँ लोटे कहा जाता है वो जो लोटे बने हैं उनकी इमेज उस वक्त बहुत ज्यादा खराब हुई है ग्राउंड पे एज कम्पेयर टू जो साइलेंट वगैरह है। और ये साफ जाहिर है कि जब ये पार्टी पीडीपी में जब ये मंत्री पद पे थे, बड़े ओहदों पे थे और जब वो पार्टी टूटी तो उसके बाद इन्हें जब दूसरी पार्टी ज्वाइन किया तो लोगों में इनकी बहुत ज्यादा इमेज खराब हुई, तो उसी इमेज को बचाने के लिए। और देखिए एक बात मैं और बताना चाहूंगा, परसों जिसका कि इसी हफ्ते जब मेरी महबूबा मुफ्ती से मुलाकात हुई, मेरी उससे बातचीत हुई तो उसमें वो पार्लियामेंट चुनाव के लिए, क्योंकि असेंबली चुनाव के हवाले से कोई नजर नहीं आ रही थी तो पार्लियामेंट चुनाव के हवाले से वो डिस्कस कर रही थी अपनी लीडरशिप से कि हमें नॉर्थ कश्मीर से, चूंकि साउथ और श्रीनगर का फिलहाल नहीं था, वो नॉर्थ कश्मीर से सोच रही थी कि किसको पार्लियामेंट के लिए चुनाव के लिए लड़ा जाए, उतारा जाए। तो वहां दो तीन नाम भी आए और उसमें एक आदमी ने ये भी सजेस्ट किया था कि बेग साहब भी बड़े नाम है हमारे, तो वो जो नाम है उसी चीज के पीछे की कहानी भी इसमें जो है बशारत बुखारी। सनम जी एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा, जेकेपीसी ने सैयद बशारत बुखारी को पार्टी से बाहर कर दिया है लेकिन इसका नुकसान किस तरीके से जेकेपीसी को होगा, क्योंकि एक जाना माना चेहरा है कश्मीर का सैयद यहाँ पर बशारत बुखारी। देखिए सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इस वक्त बशारत बुखारी जो है अपने बलबूते पे अपनी सीट में पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए थे, जो ग्राउंड असेसमेंट हम कर रहे थे उसमें उसमें हमें लग रहा था कि जो ये सीट वो सीट निकालेंगे, तो ये जो बड़ा धचका है ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ा धचका है, क्योंकि वहां अपोजिशन का कोई और कैंडिडेट ऐसा स्ट्रांग नहीं है या कहीं फेस वहां पे है नहीं, तो बशारत बुखारी के लिए वहां वन वे ट्रैक था। और उसके साथ साथ दूसरा बड़ा नुकसान जो है ये नॉर्थ कश्मीर से एक धचका लगा है और जो हमारे पास इनपुट्स हैं या जो हम एसेस कर रहे हैं उसमें कुछ और नाम है जो पीसी में अभी भी है, जो पीसी में है लेकिन अभी भी उनके अगर फेसबुक या ट्विटर प्रोफाइल देखा जाए तो उनमें पीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अभी भी वो जो पार्टी का निशा होता है वो नहीं है, तो वो भी हमें लग रहा है दूर है। और कई और नाम भी आ रहे हैं
जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में तो हैं लेकिन दिल से नहीं हैं, और वो दूसरी जगहों पे पर तोड़ रहे हैं, जिस तरह के गुलाम नबी आजाद के साथ भी एक दो लीडर कांटेक्ट में हैं, महबूबा मुफ्ती के घर भी दो तीन लीडर गए हैं और डायरेक्टली दो तीन गए हैं, दो तीन की फैमिली मेंबर्स जो है उनकी जो बेगमात है या उनके बच्चे है वो महबूबा मुफ्ती के पास गए हैं, और कुछ लोग जो है। लास्ट सवाल आपसे, कहीं ऐसा तो नहीं है शेख जब्बार गांदरबल वाले और ये मिलकर के कोई नई पार्टी बना सकते हैं? ऐसा देखिए बशार बुखारी शायद इतना हम उसे कहेंगे कि नाकाम सियासतदान नहीं है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पे सीट निकाल सकता है, और सबसे बड़ी बात होती है कोई अपनी, और जो हमें इनपुट से अभी जिस तरह मैं सुबह से इस चीज को लेके बात कर रहे थे, कल शाम को बात की थी, जो बशार बुखारी के क्लोज क्वार्टर्स है वो कहते हैं कि अभी वो कुछ समय के लिए साइलेंट रहेंगे, और उस साइलेंट रहने के बाद क्योंकि उन्हें गुलाम नबी आजाद ने भी अप्रोच किया था, और उन्होंने गुलाम नबी आजाद को उनकी फैमिली ने उनको मना कर दिया है कि गुलाम नबी आजाद की, क्योंकि अगर इखवानी वाला किस्सा यहाँ पे है तो दूसरी आजाद वाली पार्टी में भी इखवानी का लेबल लग सकता है, तो ये सब को देखते हुए फिलहाल वो बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, और साइलेंट रहने के बाद जो खबरें अंदर से हैं या जिस तरह से वो कोशिश की जा रही है कि वो पीडीपी वापस चले जाए, और जो ये जो LG11 है या जिस तरह बाकी जो और जो ग्रुप्स यहाँ पे बने उसमें बशारत का